दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक करें। गर्लफ्रेंड को मोबाइल गिफ्ट करना हो या मम्मी पापा को जो बुजुर्ग लोग हैं घर पे उनको अगर कोई फोन देना हो, नहीं गर्लफ्रेंड तो ऐसा फोन लेगी भी नहीं 5000 के आसपास का, मैं बात कर रहा हूँ 5000 से नीचे वाले स्मार्टफोन्स की। दोस्तों गर्लफ्रेंड तो आईफोन ही मांगती है, उससे नीचे तो जाती नहीं है। लेकिन अगर माता पिता को अपने मम्मी पापा को अगर आपको फोन गिफ्ट करना है 5000-6000 का आपका बजट है तो तीन ऐसे स्मार्टफोन है जो 5000 के नीचे मिल रहे हैं। पहला है आपका रेडमी का गो, दूसरा है एसुस का जेनफोन लाइट L1 और तीसरा है UAS जो कि माइक्रोमैक्स का फोन है। इन तीनों फोन्स के बीच में कंपैरिजन करेंगे हम लोग। सबसे पहले बता दूं कि माइक्रोमैक्स का UAS और जेनफोन लाइट L1 दोनों 6000 के स्मार्टफोन है, लेकिन अक्सर सेल में हर 5-6 दिन में सेल में 5000 में आपको मिल जाते हैं। मैंने खुद 5000 में खरीदा है तो इसलिए बता रहा हूँ। और 5000 के नीचे तीनों स्मार्टफोन में कौन सा स्मार्टफोन ज़्यादा बेटर है इसके बारे में हम बात करेंगे, कंपैरिजन करेंगे तीनों स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन की और देखेंगे कौन सा स्मार्टफोन आपको 5000 में बेटर वैल्यू देता है। चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक करना, मुझे बताना क्यों नहीं पसंद आया। लेट्स गेट स्टार्टेड। Xiaomi ने अभी एंड्रॉइड गो बेस्ड अपना रेडमी गो स्मार्टफोन लॉन्च किया है जो कि 4500 में आया था। लोग 3500 में एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन 4500 में आया और उस प्राइस के हिसाब से मैं कहूँ थोड़ा सा ओवर प्राइस है क्योंकि 500 रुपये एक्स्ट्रा देके ये दोनों स्मार्टफोन ज़्यादा बेटर हैं, मैं पहले ही क्लियर कर दूँ। लेकिन स्टिल कुछ लोग रेडमी के फैंस हैं मेरी तरह तो मैं उनको क्लियर कर दूँ स्पेसिफिकेशन कंपेयर करके कि 500 रुपये एक्स्ट्रा देके आपको क्या मिलता है। सबसे पहले डिज़ाइन और डिस्प्ले की बात करें तो Asus Zenfone Lite L1 और UAS जो है माइक्रोमैक्स का, दोनों के डिस्प्ले डिज़ाइन ऑलमोस्ट सेम है। 5.45 इंच का HD+ का डिस्प्ले है जिसका एस्पेक्ट रेशियो 18:9 का है, 1520x720 का रिजोल्यूशन है और 296 पिक्सल पर इंच का पिक्सल डेंसिटी है। तो बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं। 73-74% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, 18:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला आपको फोन मालूम है, नया वाला जो आया था वैसे वाला एस्पेक्ट रेशियो है तो दिखने में अच्छा है। रियर साइड पे भी सिंगल कैमरा का सेटअप है दोनों स्मार्टफोन में और आपको फ्लैश लाइट मिलती है और नीचे ब्रांडिंग मिलती है। US में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है, ये एक प्लस पॉइंट है उनका, और बाकी तीनों स्मार्टफोन में नहीं मिलता, बाकी दोनों स्मार्टफोन में नहीं मिलता। इसके बदले अगर आप बात करोगे, ये तो दो स्मार्टफोन के थे UAS का और Asus Zenfone Lite L1 का, इसके पहले Redmi Go जो है दोस्तों थोड़ा पुराने तरीके का है, 4500 का है, बाकी दोनों 5000-5500 के हैं लेकिन थोड़े पुराने तरीके का है। दोस्तों बैक साइड से देखोगे सिंगल कैमरा का सेटअप है, नीचे मी की ब्रांडिंग है, फ्रंट साइड में आपको 16:9 का एस्पेक्ट रेशियो जो आज से 2-2.5 साल पहले एस्पेक्ट रेशियो चलता था वैसा दिखता है, बड़े बड़े ऊपर नीचे बेजल्स होंगे। देन रिजोल्यूशन की बात करोगे तो 720x1280 का रिजोल्यूशन है जो कि कम है उनसे, ये HD वाला रिजोल्यूशन है, HD+ का नहीं, HD वाला रिजोल्यूशन है और 70% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है तो ठीक ठाक फोन है। लुक और डिज़ाइन के हिसाब से देखोगे तो Asus Zenfone Lite L1 और UAS आपको ज़्यादा बेटर लगेंगे एज कम्पेयर टू Redmi Go। Redmi Go बहुत ज़्यादा पुराना दिखता है डिस्प्ले और डिज़ाइन की बात करोगे अगर दोस्तों को। अब आते हैं थोड़े इंटरनल स्पेक्स की तरफ, तो यहाँ पे Asus Zenfone Lite L1 बाजी मारता हुआ दिखता है क्योंकि वो अकेला ऐसा स्मार्टफोन है जो आपको ऑक्टा कोर का प्रोसेसर देता है, बाकी दोनों क्वाड कोर के प्रोसेसर देते हैं तो यहाँ पे बाजी मारता है। प्रोसेसर की बात करें Asus के स्मार्टफोन की तो यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 430 का प्रोसेसर मिलता है जो ऑक्टा कोर है, 28 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, इसके 8 कोर 1.4 GHz पे क्लॉक्ड है तो अच्छा प्रोसेसर है। Adreno 505 के साथ आता है तो गेमिंग भी ठीक ठाक आपको दे देगा एज कम्पेयर टू बाकी दोनों फोन, बहुत अच्छी गेमिंग तो नहीं मिलेगी बट इन दोनों फोन से अगर कंपेयर करोगे तो अच्छी खासी गेमिंग मिल जाएगी। इसके बदले अगर आप बात करोगे Redmi के फोन की तो वहाँ पे स्नैपड्रैगन 425 का प्रोसेसर मिलता है जो कि क्वाड कोर है, 1.4 GHz पे क्लॉक्ड है बट क्वाड कोर है तो उससे थोड़ा सा वीक है। एंड इसमें आपको Adreno 308 का GPU मिलता है जो कि बहुत वीक है उससे अगर कंपेयर करोगे तो, और बाकी सारी चीज़ें ठीक है। इसके बाद अगर आप जाओगे US के स्मार्टफोन में तो वहाँ पे आपको MediaTek का प्रोसेसर मिलता है, MediaTek 6739 का, ये भी 28 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, क्वाड कोर ही है, अगेन वही Cortex-A53 वाले कोर्स तीनों स्मार्टफोन में है और 1.4 GHz पे क्लॉक्ड है, बाकी सारी चीज़ें ठीक है। तो MediaTek का प्रोसेसर है, दोनों में स्नैपड्रैगन है बट आपको Redmi Go में क्वाड कोर का मिलेगा और इसमें Asus के स्मार्टफोन में आपको ऑक्टा कोर का मिलेगा, तो इसलिए Asus का स्मार्टफोन ज़्यादा बेटर लगा मुझे। उसके बाद आप Redmi Go पे जा सकते हो और लास्ट में आप रख सकते हो US को प्रोसेसर के मामले में। दोस्तों इसके बाद एंड्रॉइड वर्जन की बात कर लें तो आपको बाकी दोनों स्मार्टफोन US और Asus Zenfone Lite L1 में Android 8.1 Oreo मिलता है जो कि अपग्रेड कर सकते हो और ये इसका एक्चुअल वर्जन है, जबकि Redmi Go में आपको Android Go वर्जन मिलता है, Oreo का ही Android Go वर्जन मिलता है जो कि लाइटर वर्जन होता है, कहने के लिए लाइटर है बट अगर आप देखोगे स्पेस तो उतना ही लेते हैं ऐप, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आते, तो रैम अगर कम देते हैं तो ज़्यादा इशू करेगा आपको बाद में, तो इसीलिए कहने के लिए लाइटर वर्जन है बट उतने ही स्पेस लेते हैं वो, ऑलमोस्ट 70-80% उतने ही स्पेस ही लेते हैं तो इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तीनों Oreo पे ही बेस्ड हैं। तो एंड्रॉइड वर्जन की बात करोगे तो दोनों बाकी अच्छे लगे मुझे एंड्रॉइड गो से।
अब आते हैं कैमरा सेक्शन में, तो Asus का स्मार्टफोन मुझे ज़्यादा बेटर लगा इसमें कैमरा में, क्योंकि इसमें 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, अपाचर F2.0 का है, और ये PDAF का लेंस है। आपको बता दूं फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस ये वाला लेंस है, बाकी दोनों में आपको सिर्फ ऑटो फोकस के लेंस मिलते हैं, और इसमें आपको PDAF का लेंस मिलता है जो कि अच्छा है। एंड रियर साइड से आप 1080 रिजोल्यूशन वाले वीडियो निकाल सकते हो, फ्रंट साइड से 720 रिजोल्यूशन वाले वीडियो निकाल सकते हो, तो ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आपको पैनोरामा सब पैनोरामा तो नहीं मिलेगा, HD सब आप कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें ठीक है। इसके बदले अगर आप US पे जाओगे तो वहाँ भी आपको 13 और 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, रियर साइड पे 13 है, फ्रंट साइड पे 5 है, 1080 रिजोल्यूशन वाले वीडियो पीछे से निकाल सकते हो, आगे फ्रंट साइड से आप 720 वाले निकाल सकते हो। एंड दोनों फोन्स में आपको LED फ्लैश फ्रंट और बैक दोनों में मिल जाएगा। इसके बाद एंड्रॉइड गो का रेडमी गो जो फोन है उसमें जाओगे तो वहाँ पे आपको रियर साइड पे 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है और फ्रंट साइड पे 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है जिसका अपर्चर F2.0 का है। तो तीनों अगर वहाँ से भी यहाँ से ये दोनों जो रेडमी गो का फोन है और उसके बाद US का फोन है इसमें आपको AF के लेंस मिलते हैं ऑटो फोकस वाले, आपको फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस वाले लेंस नहीं मिलते, तो वो ज़्यादा थोड़ा सा इशू करेगा कैमराज में। बहुत ज़्यादा अच्छे कैमरा तीनों में नहीं मिलेंगे, 5000 में आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कैमरा से, लेकिन स्टिल अगर तीनों को कंपेयर करोगे तो Asus का स्मार्टफोन यहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव्स रखता है एज कम्पेयर टू बाकी दोनों स्मार्टफोन। बैटरी की बात करें तो यहाँ पे आपको US जो माइक्रोमैक्स का फोन है वो ज़्यादा बेटर स्कोप देता है, क्योंकि आपको Redmi Go के फोन में और Asus के फोन में सिर्फ 3000 mAh की बैटरी मिलती है, USB 2.0 का पोर्ट है और दोनों स्मार्टफोन सपोर्ट करते हैं 10 वैट का चार्जर, बट उसमें आता है 5V at 2A यानी 5 वैट का ही चार्जर आता है दोस्तों। इसके बदले अगर आप जाओगे US के फोन में, मैं बार बार US बोल रहा हूँ, US के फोन में, तो वहाँ पे आपको 4000 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है, हाँ USB 2.0 का ही पोर्ट है और इसके साथ 10 वैट का चार्जर भी मिलता है, बाकी दोनों स्मार्टफोन में 5 वैट का ही मिलता है, यहाँ पे आपको 10 वैट का चार्जर मिलता है, तो 1000 mAh ज़्यादा भी है और चार्जर भी ज़्यादा फास्ट है एज कम्पेयर टू बाकी दोनों। तो बैटरी अगर कंपेयर करोगे तो आपको US ज़्यादा अच्छा लगेगा एज कम्पेयर टू बाकी दोनों स्मार्टफोन। तीनों स्मार्टफोन में सेंसर्स की बात करें तो एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी और कंपास तीनों में मिल जाते हैं, और कोई ज़्यादा बड़े सेंसर है उसको एक्सपेक्ट मत करना इस प्राइस में, बट इसमें US जो है वो थोड़ा सा अपर हैंड रखता है, क्योंकि उसमें बैक साइड पे आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, बाकी दोनों स्मार्टफोन में नहीं मिलता, तो ये अपर हैंड है US के पास। तो सेंसर, सारे सेंसर्स की बात करोगे तो US इसमें अपर हैंड रखता है, बाकी दोनों स्मार्टफोन में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलता दोस्तों। स्लॉट वेरिएंट और प्राइसिंग की बात करें तो तीनों में डेडिकेटेड स्लॉट है, जिसमें से आप US और Redmi के फ़ोन को 128GB तक बढ़ा सकते हो, जबकि आप Asus के फ़ोन को 512GB तक एक्सपांड कर सकते हो, जो कि एक अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से। एंड वेरिएंट की बात करें तो US में आपको दो वेरिएंट मिलेंगे, एक 2GB 16GB और एक 3GB 32GB। Asus के स्मार्टफोन में आपको एक ही वेरिएंट मिलेगा 2GB 16GB वाला, जो कि 5000 का आता है, नॉर्मली 6000 का होता है, सेल में अक्सर 5000 का हो जाता है, हर 10 दिन में सेल आती रहती है, 10-5 दिन में सेल आती रहती है। US का जो स्मार्टफोन जो मैंने बताया उसका 2GB 16GB जो वो भी 6000 का होता है, सेल में अक्सर 5000 में आ जाता है। इसके बदले अगर बात करोगे Redmi के फ़ोन की तो इसमें 1GB रैम और 8GB इनबिल्ट स्टोरेज है सिर्फ, और ये 4500 में आता है, मतलब 500 रुपये कम देते हो तो आपको 1GB रैम भी कम हो जाएगा और 8GB इनबिल्ट स्टोरेज भी कम हो जाएगा, वो मेरे हिसाब से थोड़ा सा इशू है, वो देखने की ज़रूरत है। अब इसका 2GB और 16GB या 32GB वाला वेरिएंट कब आता है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन इसमें ये वेरिएंट अभी तक तो नहीं आया हुआ है, लोग कह रहे हैं कि आएगा, लेकिन वो आने की बात होगी, किस प्राइस पे आएगा बात की बात होगी, तब उसको टक्कर कराएंगे इन सब से, लेकिन अभी के लिए अगर बात करोगे तो उसमें 1GB रैम और 8GB इनबिल्ट स्टोरेज ही मिलता है दोस्तों। अब कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए फिर, कंपैरिजन तो सारे कर डाले। अगर आपको रेडमी ब्रांड पसंद है और अच्छा सर्विस चाहिए तो ही रेडमी फ़ोन लेना, अदरवाइज के स्पेसिफिकेशन उस काबिल नहीं है कि 4500 रुपये दिए जाएँ। उसके बाद अगर अच्छा डिज़ाइन, अच्छा कैमरा, अच्छा प्रोसेसर चाहिए अगर आपको और ज़्यादा एक्सपांड करने वाला उसका स्लॉट चाहिए दोस्तों, तो आप जा सकते हो Asus के स्मार्टफोन की तरफ। देन अगेन फिर अच्छा डिज़ाइन, फिंगरप्रिंट स्कैनर, एक बड़ी बैटरी और एक अच्छा चार्जर चाहिए अगर आपको, तो आप जा सकते हो US की तरफ, वो भी स्मार्टफोन अच्छा है उस प्राइस में दोस्तों। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या लेना है, कौन सी चीज़ें आपकी प्रायोरिटी हैं। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक करना, मुझे बताना क्यों नहीं पसंद आया, और कौन सा स्मार्टफोन आपको पसंद आया ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, तीनों में से किसको गिफ्ट कर रहे हो अगर तो ज़रूर बताइएगा। पसंद आया वीडियो तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना जैसे मैंने कहा, और सपोर्ट भी कर सकते हो, सपोर्ट करने के लिए कुछ खास नहीं करना, साइड में देखो बैठे इमेज है उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों।